करता हूं आप सभी को अपने चैनल सेल्फ स्टडी पर। आप जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से मैं आपको वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 10 का मैथ सॉल्व करा रहा हूं। इसके अलावा हिंदी भी मैंने व्याकरण कराया है। यदि आप वो सब वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर उन सभी वीडियो को देखेंगे। मैं मैथ का मैक्सिमम चैप्टर सोल्व करा चुका हूँ क्लास 10 का। आप जाकर विजिट जरूर कीजिए प्लेलिस्ट में और उन वीडियो को जरूर देखिए। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं 5 का 1 नंबर सवाल से। इसके पहले जितने भी 4 सम्स हुए हैं मैंने इसका जो 1, 2, 3, 4 माने 5.3 चैप्टर चल रहा है आज, और इसके ऊपर जितने भी 4 तक सम्स दिए गए थे उन सबको मैंने सोल्व कर दिया हूं। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर विजिट कीजिए। उसका नाम लिखा हुआ है क्लास 10 मैथ चैप्टर 5.3 लिखा हुआ है। आप वहां पर विजिट कीजिएगा। आपको पार्ट वाइज थंबनेल बनाया गया है, मिल जाएगा। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 थंबनेल में लिखा गया है। आप 1 से देखिए, आपको जरूर समझ में आएगा। ठीक है, ठंड की मौसम काफी बढ़ गई है हमारे वेस्ट बंगाल में, तो आप सभी स्टूडेंट को यही बोलूंगा कि ठंड से बचिए, अपने आप को स्वस्थ रखिए। अभी तो हम लोग कोरोना से लड़ ही रहे हैं, अब ठंड से भी हमें लड़ना पड़ेगा। तो आप ठंड से बचिए, जो भी आपका गर्म कपड़ा है जो आप अपने बक्से में रखे हैं आप उसे निकाल कर पहन लीजिए। मैंने तो ऑलरेडी पहन लिया है क्योंकि ठंड काफी ज्यादा लग रही थी मुझे, और ठंड आ भी गई है, विंटर का मौसम आ गया है, ठंड लग रही है। तो आप अपने आप को पहले बचाइए, उसके बाद आपकी तैयारी होगी, क्योंकि यदि आप स्वस्थ नहीं रहिएगा तो पढ़ाई कैसे कीजिएगा। मैं भगवान से दुआ करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि आप सभी स्वस्थ रहिए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर कीजिए, क्योंकि अभी तो जगधरती माँ का त्योहार चल रहा है और वहां पे आप विजिट जरूर कर जाएंगे, पूजा देखने जाइए, लेकिन मास्क पहनकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, क्योंकि आप स्वस्थ रहिएगा तभी जाकर आप अपने पढ़ाई को या अपने कोई भी कार्य को अच्छे से कर पाइएगा। तो आपको पता ही है कि मैं हर वीडियो को स्टार्ट करता हूं एक पहेली के साथ। तो मेरी जो पिछली पहेली का सही जवाब था वो था चूल्हा, और इस मैंने जो पिछले वीडियो में जो मैंने पहेली पूछा था उसमें काफी कंट्रोवर्सी रहा, काफी वाद विवाद भी हुआ। अंततः आंसर फाइनली जो मेरा फर्स्ट सही आंसर आया कमेंट के माध्यम से वो था, नंबर 1 में पूजा चौधरी का सही जवाब था और नंबर 2 में विशाल साहनी। विशाल साहनी हमेशा बने हुए हैं टॉप 3 में, और प्रीति महतो कुछ दिन से गायब हो गई थी। कुछ पहेली में इनका नाम था लेकिन बीच में गायब हो गई थी, फिर बहुत दिन के बाद 3rd पोजीशन इन्होंने हासिल किया है। तो इन सभी स्टूडेंट को या जो भी है ये, इनको बहुत बहुत धन्यवाद कि इन्होंने सही जवाब दिया पहेली का। और आज की पहेली को सुनिए बड़े ध्यान से और कमेंट कीजिएगा बहुत जल्द से जल्द, ताकि मैं इस चैनल के माध्यम से आपका नाम अनाउंस कर सकूं। आज की हमारी पहेली है, ध्यान दीजिएगा, वह कौन सी चीज है जो कभी कम नहीं होती, हमेशा बढ़ते ही रहती है। फिर से मैं रिपीट करना चाहूंगा, वह कौन सी चीज है जो कभी कम नहीं होती, हमेशा बढ़ते ही रहती है। तो आप इस पहेली का सही जवाब कमेंट कीजिएगा। अगर आपका नाम टॉप 3 में आता है तो मैं अगले वीडियो में आपका नाम अनाउंस जरूर करूंगा, जैसे इनका नाम अनाउंस किया गया मेरे द्वारा। चलिए आज के हम लोग अपने सवाल पे चलते हैं, और ये जो सवाल है कुछ 4 नंबर सवाल से मिलता जुलता है। जो आपने 4 नंबर सवाल अभी सोल्व किया है, 4 का जो 1, 2, 3 सवाल सोल्व किया था उससे मिलता जुलता है। मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आप उस वीडियो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर आप पार्ट वाइज वीडियो देखिए। मैं कोई भी थंबनेल बना रहा हूं तो उसमें पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 लिख दे रहा हूं, तो आप पार्ट वाइज वीडियो देखिएगा, आपको जरूर समझ में आएगा। और एक इम्पोर्टेंट बात, इस चैप्टर से आपके बोर्ड के एग्जाम में 3 मार्क्स के सवाल जरूर आते हैं, तो आपको इसको अच्छे से समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। देखिए जो लिखा है, ए कमा बी कमा सी कमा डी
क्रमिक समानुपाती होने से प्रमाणित करेगी। ये क्रमिक समानुपाती है, यहाँ पे अनुपात नहीं दिया है, सिर्फ लिख दिया है क्रमिक समानुपाती। मैं देखता हूं कि अक्सर यहां से यानी पांच में दो सवाल दिए गए हैं, वहां से पूछता है सवाल, तो आप इसे ध्यान से समझिएगा। तो हमारा जो प्रूफ करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर दूसरे क्वेश्चन में बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी का होल स्क्वायर। ये आपका एलएचएस हो रहा है, ये आपका क्या हो रहा है आरएचएस, इन दोनों को प्रूफ करना है। तो देखिए, मैंने क्रमिक समानुपाती अगर लिखा रहेगा इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, लिखेंगे ए बटा बी बराबर बी बटा सी बराबर सी बटा डी। ये देखिए क्रमिक हो गया, ए बटा बी आया, फिर बी बटा सी आया, फिर सी बटा डी आया, मैंने एक के बाद एक आ रहा है, क्रम से आ रहा है, इसी को हम लोग क्रमिक समानुपाती कहते हैं। बराबर के माना, आप तो ये जानते हैं कि के मेथड से बनाया जाता है और इसको के मेथड बोला भी जाता है। सवाल अब ए का मान, सबसे पहले हम लोग सी का मान देख लेते हैं। सी का मान क्या हो जाएगा तो डी के होगा, ठीक है। बी का मान क्या हो जाएगा सी के होगा, और ए का मान क्या हो जाएगा बी के। ए का मान ऐसे क्या होगा बी के। आप चार नंबर सवाल को जब बना रहे थे, इसका मान जब निकाल रहे थे, उसमें भी कुछ लिखा हुआ था इस तरह से, इस तरह नहीं था लेकिन दो संख्याएं आपस में मिल रही थी, ए बटा बी और बी बटा सी। तो आप वहां पे क्या देखे होंगे, अब देखिए यहाँ पे बी का मान क्या आया है सी के, और यहाँ पे सी का मान क्या आया है डी के, ठीक है। तो ये जो सी का मान डी के है, हम यहाँ पर सी के लिए डी के लिख देंगे, और ये जो के है यहाँ पर हम लिख देंगे। मैं इसको इसलिए बार बार बता रहा हूं ना, क्योंकि सारा कंफ्यूजन का जड़ यहीं पर है। अगर आप इसके मान को निकालना सीख गए ए बी और सी का मान, तो आपको ये सवाल बनाना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, आप बहुत आसानी से बना लेंगे। तो आप मान को अच्छे से समझिए। तो देखिए सी का मान जो डीके था, यहाँ पर मैंने सी का मान के लिए, मैंने सी के लिए क्या लिख दिया डीके, और ऑलरेडी के है पहले से तो के लिखा, ये दोनों आपस में गुणा होके क्या हो जाएगा डीके स्क्वायर। अब देख रहे हैं कि बी का मान आया है डीके स्क्वायर, और यहाँ पर भी बी है, ए के मान में भी क्या है बी है, तो मैंने क्या लिख दिया बी के जगह पर लिख दिया डीके स्क्वायर, जो हमारा बी का मान क्या आ गया है डीके स्क्वायर, और यहाँ पे ऑलरेडी के है तो मैंने के लिख दिया, और इसको गुणा करने के बाद क्या आ गया डीके क्यू। कैसे क्यू हुआ, यहाँ पे दो के है और यहाँ पर एक के है, तो ये गुणा होकर क्या हो जाएगा थ्री के हो जाएगा। अब देखिए एलएचएस, एलएचएस में मैंने जो एलएचएस दिया हुआ था मैंने डाउन किया, अब सबका मान मैंने पुटअप किया, ठीक है, सबका मान पुटअप किया गया है। बराबर मझला कोष्ट बनाया, फिर छोटा कोष्ट, ए का मान क्या आया है डीके क्यू, डीके क्यू का स्क्वायर किया क्योंकि स्क्वायर दिया गया है यहाँ पे। उसके बाद प्लस बी का मान क्या दिया है डीके स्क्वायर, स्क्वायर का फिर यहाँ पे स्क्वायर दिया, मैंने स्क्वायर दिया। प्लस सी का मान क्या दिया है डीके, डीके स्क्वायर, फिर आपका मझला कोष्ट बंद किया गया, फिर एक मझला कोष्ट शुरू किया मैंने क्योंकि इसको भी लिखना है। बी का मान क्या है डीके स्क्वायर, और यहाँ पर स्क्वायर है तो मैंने स्क्वायर दिया। प्लस सी का मान डी के स्क्वायर यानी स्क्वायर, प्लस डी स्क्वायर का तो कोई मान नहीं दिया गया है, यानी डी का मान नहीं दिया गया है, तो उसको इसी तरह लिख दिया गया है। आप इसे अपने कॉपी पे नोट डाउन कीजिए, यदि आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट करके बताइए कि सर नहीं समझ में आया, मैं फिर से इसको बता दूंगा, ठीक है। आप कमेंट करके बताते नहीं हो कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, कैसा लग रहा है, आप बस कमेंट कर देते हो कि नाइस वीडियो, बहुत अच्छा, और कुछ अलग भी कमेंट आपको करना है, बताना है वीडियो अच्छा लग रहा है कि नहीं। उसके बाद तो चलिए हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे चलते, बाहर निकालते हैं, यानी डी के क्यू का स्क्वायर है तो इसका अर्थ क्या हो रहा है, यानी डी के क्यू इंटू डी के क्यू, यानी यहाँ पर स्क्वायर जो दिया गया है तो इसका मतलब हुआ ये। आप बेसिक मैथ को भी जरूर समझेंगे तब जाकर आपका अच्छा होगा। तो इसका इसका गुणा होगा तो क्या हो जाएगा डी स्क्वायर, और ये दोनों आपस में गुणा होकर के का पावर सिक्स। मैं आपको बता दूं कि गुणा करते समय क्या होता है पावर आपस में जुट जाता है, गुणा करते समय क्या होता है पावर आपस में जुट जाता है। तो देखिए यहाँ पर के का पावर थ्री, के का पावर थ्री, इसीलिए यहाँ पर के का पावर क्या हुआ है सिक्स हुआ है, तो आप इसे जरूर ध्यान दीजिएगा। तो मैं इसके लिए क्या लिख दूंगा डी स्क्वायर के का पावर सिक्स, उसी तरह इसको भी अगर सोल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा डी स्क्वायर के का पावर फोर, और उसी तरह इसे भी अगर सोल्व करते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा डी स्क्वायर के स्क्वायर। चलिए इसको मझला ब्रैकेट में मैंने बंद किया, ठीक है।
और यहाँ पे जो है इसको अगर इसी तरह सोल्व करते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर के का पावर 4 प्लस इसको करेंगे यानी यहाँ पे डी स्क्वायर हो जाएगा। अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो इस तरह गुणा करके देख लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा और आप कंफ्यूज नहीं रहिएगा। देखिए सबसे बड़ी बात यह है ना, प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप अपने सिलेबस पूरा कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, प्रॉब्लम यह है ना कि अगर आप एक सवाल देखे मेरे चैनल के माध्यम से या कहीं पर पढ़ते हैं तो उस समझ में आपको आना चाहिए। यदि आप एक सवाल समझ जाते हैं तो आने वाले कई सवालों को आप सोल्व कर दीजिएगा उस रूल से। बट यदि आप एक भी सवाल नहीं समझते, सिर्फ जाते हैं कहीं ट्यूशन में या स्कूल में या मेरा वीडियो देख रहे हैं और सिर्फ उतारते हैं, तो फिर उसका कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो आपको सवाल समझना जरूरी है। यदि आपको मेरा मेथड अच्छा लगता है समझाने का तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि नहीं सर आपका मेथड जो है अच्छा है, ताकि मुझे भी पता चले कि आप पसंद करते हैं मेरे मेथड को, नहीं तो मैं चेंज जरूर करूंगा। अब चलिए देखिए इसमें जो कॉमन की बात है, इसमें आपका कॉमन क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर के स्क्वायर। अब कॉमन के लिए मैं आपको एक बताया था, कॉमन का मतलब होता है भाग देना और भाग का मतलब होता है बटा। जैसे ये क्या है, ये आया है आपका डी स्क्वायर के 6 और यहां पे मैं कॉमन क्या ले रहा हूं, डी स्क्वायर के स्क्वायर। तो देखिए ये डी से तो ये डी कट जाएगा और जैसे गुणा में पावर जुट जाता है ठीक उसके विपरीत भाग में पावर घट जाता है। यानी ऊपर में देखिए, ऊपर में 6 है के और नीचे में क्या है 2 है, तो 6 में से हमारा 2 चला जाएगा यानी के का पावर क्या बचेगा, 4 बचेगा। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, के का पावर 4 लिखेंगे प्लस उसी तरह इसको भी करके देख लेना है तो इसका क्या आ जाएगा, के का पावर स्क्वायर और यहाँ पे तो 1 बचेगा। ओके, इसमें अगर आप देखिएगा ध्यान से तो आपको क्या कॉमन मिल रहा है, डी स्क्वायर। तो डी स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया तो क्या बचा, ये के 4 प्लस के स्क्वायर आप प्लस क्या हो गया 1। ठीक है, तो आप इन दोनों को आपस में गुणा कर दीजिए, ये और ये जो कॉमन लिया गया है तो क्या हो जाएगा, डी का पावर 4 और ये क्या हो जाएगा, के स्क्वायर। और ये देखिए ये दोनों अगर आपस में गुणा होगा तो ये दोनों सेम टू सेम मिल रहा है, ये जो आपकी संख्या जो है आपका नंबर। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, आपको पता ही है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है उसको दो बार लिखा जाता है, ए प्लस बी, उसका एक ऐसा फॉर्मूला होता है। तो देखिए ये दोनों एक जैसा है तो हम इसका होल स्क्वायर कर सकते हैं और यहीं पर आपका कंप्लीट होता है LHS। और चलते हैं हम लोग RHS के लिए। RHS में जो हमारा सवाल दिया गया था नंबर, मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी का होल स्क्वायर। मैंने ए का मान रखा डी के क्यूब और बी का मान, यहाँ पे देखिए डॉट दिया गया है, ये कोई दशमलव नहीं है ये बल्कि गुणा है। तो और बी का मान क्या है, डी के स्क्वायर, मैंने डी के स्क्वायर रखा प्लस फिर मैंने बी का मान डी के स्क्वायर रखा और सी का मान जो डी के दिया गया है डी के रखा गुणा में है प्लस और ये सी का मान डी के रखा गया है और जो डी है डी का होल स्क्वायर। अब देखिए इन दोनों को गुणा करने से क्या हो रहा है कि एक डी यहाँ एक डी यहाँ, यानी डी का पावर 2 हो गया और यहाँ पे आपका 3 के है और यहाँ पे आपका 2 के है, तो के का पावर क्या हो जाएगा 5। ये थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा, गुणा करते समय पावर झूठता है, मैं आपको अभी बताया हूँ। तो देखिए 3 के और 2 के मिलकर क्या हो गया 5 के प्लस, उसी तरह इसको भी समझिए, एक डी यानी 2D पावर और यहाँ पे 1 के यहाँ पे 2 के यहाँ पर 1 के यानी के का पावर 3 प्लस यहाँ पे देखिए एक डी स्क्वायर हो गया और ये के। अब देखिए इसमें से अगर मुझे कॉमन लेना है तो इसमें से क्या कॉमन दिख रहा है, डी स्क्वायर के, लेकिन डी स्क्वायर के जब कॉमन आएगा यहाँ पर स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर करके आएगा यानी डी का पावर 4 आएगा और के का स्क्वायर आएगा। ये आपको मैं इसके पहले वाले वीडियो में भी कितने बार बता चुका हूं, आप इसे समझ भी गए होंगे, लेकिन रियल में हम देखेंगे डी स्क्वायर के रूप में ही इसको भाग करके देखेंगे। तो देख रहे हैं कि डी स्क्वायर आ गया बाहर और एक के भी बाहर आ गया, तो यहाँ पर क्या बचा है, के का पावर 4 प्लस इसमें बचा के का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या बचा 1 का होल स्क्वायर। आप इसे देखकर थोड़ा सा आपको आश्चर्य जरूर हुआ होगा कि ये कैसे हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे के का पावर 4
यहाँ पे डी होगा, डी का पावर फोर प्लस के स्क्वायर। यहाँ पे तो स्क्वायर कहीं पर है ही नहीं, यहाँ पे तो स्क्वायर है ही नहीं, सर ने कॉमन कैसे ले लिया? तो ये कॉमन ये स्क्वायर के वजह से आया हुआ है, मैं इसके पहले भी आपको इसके बारे में बताया हूं। तो आपका एलएचएस में भी इतना आया था, आरएचएस में भी आ गया, हम लिख सकते हैं इसलिए एलएचएस बराबर आरएचएस, ये आपका प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो चलिए बिना वक्त गंवाए हुए हम चलते हैं इसके दो नंबर सवाल पर। आप ये जो सवाल है कुछ बड़ा होने जा रहा है, आप बड़े धैर्य के साथ इसे समझिएगा, ये एग्जाम के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। ध्यान दीजिए, ये जो सवाल है b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस b माइनस डी का होल स्क्वायर बराबर a माइनस बी का a माइनस डी का होल स्क्वायर। अब चलिए मैं ये एलएचएस रहा या आरएचएस रहा ये तो आप जान ही गए हैं कितना सवाल बनाया। एलएचएस में जो ये लिखा गया है मैंने लिखा, अब a का मान जो डी के क्यू लिखा है, डी टी के क्या है सॉरी पहले b का मान है, यहाँ पे b का मान क्या है डी के स्क्वायर लिखा और c का मान डी के यहाँ पे रख दिया और इसका क्या है होल स्क्वायर प्लस सी का मान डी के और ए का मान माइनस डी के क्यू लिख दिया और इसका होल स्क्वायर क्या प्लस बी का मान क्या है डी के स्क्वायर और माइनस डी का क्या हो गया होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे हम करेंगे क्या ए माइनस बी का होल स्क्वायर। आपको याद रखना होगा कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर ए जो है डी के स्क्वायर है और बी जो है डी के है, उसी तरह यहाँ पर ये ए है ये बी है, ये ए है ये बी है। आपको इसको ए माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूला में लिखना होगा, काफी बड़ा होगा, फिर उसको देखेंगे जो एक राशि मिलेगी उसको कट करेंगे, उसके बाद देखते हैं रिजल्ट क्या निकलता है। चलिए उस स्टेप पर चलते हैं, तब तक आप इसे नोट डाउन। मैं अगला स्टेप सोल्व किया हूँ, बड़ा जरूर दिख रहा है लेकिन बहुत आसान है यदि आप अच्छे से समझते हैं। ये ए है और ये क्या है बी, ए की जगह पे डी के स्क्वायर माइनस डी के बी के जगह पे, देखिए मैंने लिखा ए स्क्वायर ये जो है माइनस टू ए बी, बी के जगह पे क्या था डी के, मैंने डी के लिखा प्लस ए, ये जो डी के है इसका बी स्क्वायर हो गया, यानी ए स्क्वायर माइनस टू ए बी और ये क्या हो गया बी स्क्वायर। उसी तरह इसको भी किया गया ए स्क्वायर माइनस टू ए, अब बी के जगह पे देखिए डी के का पावर थ्री प्लस हमारा क्या होता है बी स्क्वायर, तो डी के का क्यू का मैंने क्या कर दिया स्क्वायर, फिर क्या दिया हुआ है प्लस प्लस दिया और उसको भी इसी तरह लिखा ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिखा। देखिए ए स्क्वायर ये वाला ए था माइनस टू ए बी और प्लस ये जो था बी स्क्वायर लिख दिया। ओके, अब इसको मैंने क्वेश्चन से बाहर निकाला तो इसके लिए क्या आया डी स्क्वायर के का पावर फोर माइनस, ये आप समझ ही गए होंगे टू और यहाँ पे डी जो है दो टू है तो डी का पावर टू और के का पावर क्या हो जाएगा थ्री प्लस ये डी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस का चिन्ह ये जो रहा, उसी तरह ये डी स्क्वायर के स्क्वायर माइनस टू डी स्क्वायर और के का पावर क्या हो जाएगा फोर, क्योंकि एक के और तीन के चार के हो गया गुणा में पावर जुट जाता है, फिर प्लस डी स्क्वायर के का पावर क्या हो जाएगा सिक्स। आप इसे डी के क्यू गुणे डी के क्यू कीजिएगा तो आपका आंसर यहाँ क्या आएगा डी स्क्वायर के का पावर सिक्स प्लस ये जो रहा इसको, ये इसको मैंने यहाँ पे लिखा जगह था डी स्क्वायर के का पावर क्या हो गया फोर माइनस टू डी के, यहाँ पे देखिए टू डी हो गया और टू जो है के है प्लस डी स्क्वायर। अब जहां पर एक राशि की बात है इसको थोड़ा ध्यान देते हैं कि हमारे यहाँ पर एक राशि कौन कौन सी हो रही है, ध्यान दीजिए चलिए लिखते हैं ये टू डी स्क्वायर के का पावर फोर, देखिए तो इसके साथ कहां मिल रहा है देखिए यहाँ पर है तो हम इसको लिख सकते हैं दोनों प्लस में है तो क्या हो जाएगा टू डी स्क्वायर के का पावर फोर। ठीक है, इसी तरह का और इसमें एक है आप ध्यान देंगे दीजिएगा ये तो मैं इसको लिख दिया टू डी स्क्वायर के का पावर फोर, मैंने ये और ये मैंने लिख दिया तीन सवाल में, आपको ऐसे लाइन नहीं काटना है नीचे में। और देखिए ये देखिए इसके साथ माइनस टू डी स्क्वायर के क्यू, डी स्क्वायर के क्यू किसी के साथ मैच कर रहा है इधर नहीं मैच कर रहा है छोड़ दीजिए, डी स्क्वायर के स्क्वायर देखिए डी स्क्वायर के स्क्वायर और भी एक है साथ ही में है दोनों प्लस में है जोड़ दिया मैंने टू डी स्क्वायर के स्क्वायर लिख दिया। ओके, और उसके बाद देखिए यहाँ पर एक लिखा हुआ है माइनस टू डी स्क्वायर के स्क्वायर। ओके, अब
ये हो गया मेरा काम, ये हो गया, ये हो गया, ये काफी बड़ा है, कंफ्यूजन भरा है, इसलिए लाइन डालना पड़ रहा है। अब बच क्या क्या गया है उसको लिख देते हैं। एक यहाँ पर मैंने माइनस टू डी स्क्वायर के का पावर क्या है थ्री बचा हुआ है, उसके बाद ये प्लस प्लस में हमारा क्या बचा हुआ है डी स्क्वायर प्लस 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 क्या बचा हुआ है, एक तो आपका बचा हुआ है ये, और दूसरा हमारा क्या बचा हुआ है बताइए, हाँ डी स्क्वायर के का पावर सिक्स, डी स्क्वायर के का पावर सिक्स बचा हुआ है, और क्या बचा हुआ है प्लस डी स्क्वायर बचा हुआ है। अब देखिए ये और ये दोनों एक राशि है, प्लस माइनस में ये कट गया। देखिए अब सवाल आसान होने लगा, ये प्लस और ये माइनस ये आपस में कट गया, फाइनली हमारा जो बचा उसको हम लोग लिखेंगे, तो क्या बचा हुआ है हमारा, वीडियो लंबा भी हो रहा है इस सवाल के चक्कर में, बट काफी बड़ा सवाल है, इंपॉर्टेंट है, अगर आप कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो हमारा जो जो बचा है लिख दीजिए, डी स्क्वायर के का पावर सिक्स और उसको लिख दीजिए माइनस, ये बचा हुआ है ना माइनस टू डी स्क्वायर के का पावर थ्री, और ये प्लस क्या हुआ है डी स्क्वायर, तो इसमें देखिए कॉमन आ जा रहा है, डी स्क्वायर कॉमन आ गया, तो बचा क्या के का पावर सिक्स माइनस टू के का पावर थ्री और प्लस क्या बचा वन। ये हमारा यहाँ पर एलएचएस कंप्लीट होता है, आप जरूर समझोगे, काफी मेहनत करके समझाया। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए चलते हैं आरएचएस पर, आप इसे नोट डाउन जरूर कीजिए। सवाल था क्या था एडी का होल स्क्वायर, मेरा तो ए का मान याद हो चुका है, आपके तो कॉपी में ही नोट डाउन होगा, तो डी के क्यू का माइनस डी का तो कोई मान नहीं है स्क्वायर, ए का मान ये रहा। अब ए माइनस बी का होल स्क्वायर, उसी तरह ये फॉर्मूला लिख दिया गया, ए स्क्वायर किया गया माइनस टू ए बी प्लस डी स्क्वायर, अब इसको गुणा करेंगे तो डी स्क्वायर के का पावर सिक्स माइनस टू और डी स्क्वायर के थ्री प्लस डी स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए डी स्क्वायर कॉमन आ गया, तो क्या बचा के का पावर सिक्स माइनस टू के का पावर थ्री प्लस वन का होल स्क्वायर। आपका एलएचएस में भी इतना ही आया था, आरएचएस में भी इतना आ गया, इसलिए एलएचएस बराबर आरएचएस प्रूव्ड हो गया। तो इस वीडियो में बस इतना ही, वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया है लेकिन क्या किया जाएगा, काफी इंपॉर्टेंट सवाल आपने सीखा आज। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।